अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं बीटीके स्टोरीज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन कराची स्पोर्ट्स सिटी विलाज़ में और आपको विज़िट कराते हैं स्पोर्ट्स सिटी विला अंदर से। हमारे क्लाइंट का विज़िट है, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अंदर से विज़िट करवाया जाए। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, इसका गार्डन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप मज़ीद इसको बेटर भी कर सकते हैं और इसके साथ बिल्कुल आपको पार्किंग मिल जाती है जिसमें 3 से 4 गाड़ियाँ ईजीली आप पार्क कर सकते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स सिटी विलाज में रेजिडेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रेजिडेंस मिलती है, तो इसकी मेन एंट्रेंस आपको नज़र आ रही होगी। मेन डोर से हम इंटर होते हैं और इंटर होते हैं साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे इसका जो ड्राइंग रूम है वो मिल जाता है। और ड्राइंग रूम की स्पेस आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेस है इसकी। और इसके बिल्कुल साथ आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है, जहाँ पे फ़िलहाल दो बेड रखा हुआ है, इसके लिए माजरत। और ये आपको एक डक एरिया मिल जाता है और इसके बिल्कुल साथ ही आपको किचन मिल जाता है। किचन में आप देख सकते हैं ओवन भी इंस्टॉल्ड होता है यहाँ पे एरिया में। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है, किचन से इसकी एंट्रेंस भी है। और बिल्कुल लास्ट में आपको ले जाते हैं टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज आप देख सकते हैं और टीवी लाउंज की जो आपको विंडो नज़र आ रही है यहाँ से, ये बैक बैक साइड पे इसका बैक यार्ड गार्डन है। और फिर यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं मास्टर बेडरूम में, यहाँ से भी आपको बैक यार्ड गार्डन नज़र आता है विंडो से। और इसके साथ आपको अटैच बाथरूम हम दिखा देते हैं। अटैच बाथरूम में आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की सैनिटरी का इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो कि बैरियर टाउन कराची की तरफ से ही होता है। आपको हर विला में अच्छी सैनिटरी, सेम इसी तरह की आपको सैनिटरी मिल जाती है। अच्छा, लॉबी से स्टेयर्स जा रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी वीडियो में। ये स्टेयर्स आपको कनेक्ट करती हैं फर्स्ट फ्लोर से, तो चलें फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के बेडरूम्स। और तो फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम नंबर 1 में हम इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी दो विंडोज़ आपको इसमें मिलती हैं बेडरूम नंबर 1 में। और इसके साथ अटैच बाथरूम है जिसमें कबर्ड भी आपको नज़र आती है। और अगेन आप बेहतरीन सैनिटरी का इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पे आपको जो सैनिटरी नज़र आ रही है, ये बैरिया टाउन कराची की तरफ से होती है। हर विला में ही आपको यही सैनिटरी मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद हम बेडरूम के बिल्कुल साथ जो इसका स्टोर रूम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ये इसका स्टोर रूम है। और इसके बिल्कुल साथ ही फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम नंबर 2 में चलते हैं। और हम इंटर हो चुके हैं बेडरूम नंबर 2 में। और यहाँ पे भी आपको विंडो नज़र आ रही है, विंडो के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको इसका अटैच बाथरूम मिल जाता है। और अटैच बाथरूम में अगेन आपको बेहतरीन सैनिटरी का इस्तेमाल हुआ हुआ नज़र आता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, और इसके बिल्कुल साथ ही आपको बेडरूम नंबर, बल्कि इसकी अपोजिट साइड पे मैं कहना चाहूँगा, बेडरूम नंबर 3। और यहाँ से आप देख सकते हैं छोटा सा टेरेस भी है विंडो की आउटसाइड। और इसके साथ अटैच बाथरूम आपको नज़र आता है, अगेन बेहतरीन सैनिटरी का इस्तेमाल हुआ हुआ है बैरिया टाउन कराची के स्पोर्ट सिटी विलाज में। और बैरिया बैरिया इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता है, जो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, खासकर हमें स्पोर्ट सिटी विलाज में ये चीज़ नज़र आती है। रूम के बिल्कुल साथ ही आप देख सकते हैं ये टेरेस पे हम आ चुके हैं और टेरेस भी इसका काफ़ी बड़ा है। और आप इसमें इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी की हुई है गमलों के अंदर। और इसमें आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसको आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। यहाँ बैठ के आप अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। अपने पार्किंग के बिल्कुल साथ ये गैलरी है और गैलरी में इस जगह पर आपकी मोटर इंस्टॉल्ड होती है, वाटर मोटर। और इसके बिल्कुल साथ आपको स्टेयर नज़र आ रही हैं जो आपको रूफ़ के साथ और सर्वेंट रूम के साथ कनेक्ट करती हैं। यहाँ पर इसका गीज़र इंस्टॉल होता है। और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे आपको बैक यार्ड गार्डन नज़र आ रहा है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मज़ीद इससे भी बेहतर कर सकते हैं। बैरिया टाउन कराची से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।